हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप 9:30 बजे मेरा ये व्लॉग देख रहे हो तो रिमेंबर 10 बजे मेरा और शाइनिस का म्यूजिक वीडियो आने वाला है ऑफिशियल वॉयलर डिजी के यूट्यूब चैनल पर। लिंक विल बी देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आप 9:30 बजे के बाद ये व्लॉग देख रहे हो तो भी कोई टेंशन नहीं, मेरा और शाइनिस का म्यूजिक वीडियो देखो एंड प्लीज शेयर एंड लाइक एंड कॉमेंट योर थॉट्स कि आपको कैसा लगा हमारा काम। फॉर नाउ लेट्स बिगिन दिस विद दिस व्लॉग। ये देखो ऊपर के गाड़ी के रेयर कैमरा में स्पाइडर है, कैसा लगा देख के? अंदर इतना चिल्ड और जिम में कांच टच कर रहा हूँ तो इतना गर्म गर्म फील हो रहा है, मुझे पता नहीं चलता बिकॉज बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जैसा कि आपको पता है मेरे सारे दोस्त जल्दी से चले गए हैं, सिर्फ मैं और शाइनिस रह गए हैं। आज मैं भूपा भैया और सोरन पाजी को भी मिलूंगा, लेकिन मेरे सारे जो कपड़े हैं वो यूज हो चुके हैं, कोई भी कपड़े मेरे पास पहनने के लिए नहीं है क्योंकि लॉन्ड्री सब अवेलेबल नहीं थी थैंक्स टू कोविड-19। तो मैंने अपने सारे कपड़े धो दिए, बट टेंशन की बात नहीं है। रिमेंबर व्हेन आई वाज इन मुंबई लास्ट टाइम, जैकेट जो शोरूम में उन्होंने मुझे बोला था कि आप जब भी ट्रैवल करो अगर आपको कपड़ों की जरूरत पड़े, एंड इफ यू डोंट वांट टू गो टू द मॉल यू कैन सर्च द नियरेस्ट मॉल अराउंड यू, लेकिन जस्ट कॉल देम, स्टोर मैनेजर उठाएगा और वो आपको कैटलॉग भेजेगा। तो मेरे होटल के बाद में सबसे नजदीकी मॉल है एम्बियंस मॉल, वहाँ पर मैंने बात की स्टोर मैनेजर से और उन्होंने कैटलॉग जो है वो भेजा हुआ है। कैटलॉग इज लोडिंग। तो कुछ इस तरह कैटलॉग दिखता है। मुझे से 2 दिन के कपड़े चाहिए, ज्यादा भी कपड़े मैं ले नहीं सकता बिकॉज मेरे पैंटीज में जगह नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनर्स मैंने पहना था वो जिस अभी धोया, उसको सुखा के रख दिया। राइडिंग गियर को धोया नहीं है, लेकिन क्या है उसको उल्टा करके खोल के रख देने का, सनलाइट मिलेगी, सब जो स्मेल है वो निकल जाएगी। मेरा ऑर्डर हो चुका है, शारिज ने 2 अच्छे कपड़े सेलेक्ट किए। मेरे पास 2 ऑप्शन है, मॉल में जाऊँ और पिकअप करूँ, या तो दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग आके डिलीवर करेंगे। अभी मैं मॉल में जाने का मेरा मूड नहीं है, तो मैंने बोला आप ही आ जाओ होटल में डिलीवर कर दो, खाना भी ऑर्डर किया है ताकि दोनों चीज़ पिकअप कर लेंगे। हॉट वाटर विद डिलीवरी करनी है तो इसे कम चलाना पड़ रहा है, बट दिस इज वेरी गुड, यू शुड ट्राई इट। सुबह सुबह उठ के हॉट वाटर विद जीरा। शानिस के पास तो और कितनी जोड़ी कपड़े है शानिस? 19 जोड़ी और कपड़े। बेजो क्लोज क्यों लेके तुझे लगा हम 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं? भैया जाना। चैनल एडिटिंग मुझे एक्चुअली 2 घंटा बोला था कि 2 घंटे में मेरे कपड़े डिलीवर हो जाएंगे, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही मुझे फोन आ गया कि सर अपन नीचे है, तो मैं नीचे जा रहा हूँ। बहुत जल्दी आ गया आपको। ओके थैंक यू, बाय बाय। सो इट्स गुड, योर चॉइस इज ऑलवेज गुड यार। ये भी एक तेरा ही चॉइस है। ये ना, हाँ ये आई लव दिस एंड दिस इज माय फेवरेट। मैंने शानिस को बोला एक ही जींस ले, अभी 2 ही दिन है तो वो शानिस ने 2 जींस ले लिया, कोई नहीं। एक्चुअली एक ट्रैक पैंट है ना, एक ट्रैक पैंट। आई वांट यू टू वेयर दिस वन, दिस वन। हमेशा मैं एल पहनता हूँ, इस बार शानिस के बोलने पे XL पहना मैंने। XL क्या है, मेरा टॉर्सो के लिए परफेक्ट, मेरा टॉर्सो लंबा है ना, एल थोड़ा छोटा आता है। हमारा खाना भी यहाँ पर आ गया है। एक्चुअली वी आर वेटिंग फॉर पुपी भैया एंड सुरन पाजी, उनको थोड़ा टाइम लग रहा है। इन द मीन टाइम बहुत ज्यादा भूख लगी थी, बाहर जाने का मन नहीं था तो रूम में ऑर्डर कर लिया, और मैं बाहर अभी गया था खाना पिकअप करने के लिए। तो इट्स एज 34, बट व्हेन आई वेंट इट वाज नॉट फीलिंग वेरी हॉट, प्रॉब्लम बिकॉज मैं एसी से गया था। तो जब भी दिल्ली से निकलेंगे हम लोग ये टाइम पे निकलेंगे, तो आई वाज जस्ट गेटिंग यूज्ड टू द वेदर। यार सनसेट क्या खूबसूरत मिलता है यार, जब होटल ले रहे थे तो जुनेश भाई ने बोला था भाई वेस्ट फेसिंग रूम लेना, वहाँ से सनसेट अच्छा दिखता है, और एक्चुअली में सनसेट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा। अभी मेरी शोभित से बात हो रही थी, वो बोला बस भोपाल से 200 किलोमीटर पहले है, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया था। बोला आई लव 42, हड मच जाएगी अपनी तो। ये देखो पुप्पी के गाड़ी के रेयर कैमरा में स्पाइडर है, कैसा लगा देख के? इतना है स्पाइडर, इतना सा लग रहा है, इतना बड़ा जो दिख रहा है ना। साइबर हब, यू आर एब्सोल्युटली सेफ। सोरन भाजी वो रहे जो दिख रहे हैं पीछे। कांग्रेचुलेशंस सर, यू मेड इट, हाउ इज योर बैक? बहुत अलग खराब हो गया। प्राउड ऑफ सरन पाजी, ही रेड मुंबई टू दिल्ली इन 25 आवर्स विदाउट स्लीपिंग। 24 घंटे से जागे थे, 24 घंटे की राइड की इन्होंने, दैट टू मतलब कमाल, बहुत अच्छा। क्या किया मैंने मालूम है? क्या, मैं जिधर भी 1-1 घंटे पर खड़े होता था, नवजोत को बोला मेरे बम पे सीधा मारते रहे मेरे को, वो मेरे लिए एक मसाज हो गया। एक गाड़ी वाला देख रहा था कि कर क्या रहे पापा जी, लड़ रहे कि क्या कर रहे हैं, दबा रहे पीछे। तो आज सैटरडे नाइट है करके बहुत सारी चीजें खुली है। हाँ तू बोल ले पहले। तो लास्ट टाइम जब आए थे तो ये पूरा खाली खाली था, आज तो देखो भाई पूरा भरा हुआ है। सोरन भाजी आए तो बाहर आई, सोच रहे ये मसाजर लेने का और नेक्स्ट राइड पे इस पे बैठ जाऊंगा। सर बैठना नहीं, सूरज ने पीछे लगा दिया। सर ये बात बोलो, ये बेटर है ये जो घूमो। बस मस्ती हो रही है, कश्मीरी कहवा पिया जा रहा है सब लोगों के साथ। सोरन पाजी तो बोल रहे चलो बाइक राइड पे, मैंने नहीं भाई बाइक राइड नहीं, बहुत बाइक राइड कर ली। सर क्या हुआ सर, पेन चले गया जो बाइक राइड का बोल रहे हो? अभी तो बड़ा पेन था। सच्ची सच्ची बताना कैसा लगा जीएसएस चला के मुंबई से दिल्ली? सुपर लाइट इधर सीरियसली, ट्रस्ट मी, बेटर देन ऑल द बाइक्स।
अरे मैं तो एकदम स्पोर्ट्स बाइक की तरह चला रहा था। पहले क्या बोल रहे थे, अरे जीएसटी तो ऐसे चलाऊंगा मैं, अपनी ग्रैंड अमेरिका बेटर है। अभी फाइनली अरे क्या कर मैंने रिक्वेस्ट की थी, लो सर लो, एंड अभी लुक हाउ हैप्पी इज। ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी गुड बाइक, ट्रस्ट मी। पहली बार चलाने वाला यार क्या ले ली, ठीक है अभी एक कलेक्शन में आ गई, बट नाउ तो सुपर। प्यार हो गया ना, मुंबई में चलाने के लिए नहीं है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस। ऑलराइट गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे। कल रात को बहुत ज्यादा मस्ती की, बहुत ज्यादा गॉसिप की। भूपे भैया और सुरन बाजी मुझे कन्विंस कर रहे थे दिल्ली में और तीन चार दिन रुक जाने के लिए, बाद में सुरन बाजी के बाद मुंबई जाने के लिए, लेकिन मुझे मुंबई में काम है। तो अभी सब कुछ पैकिंग हो गई है। राइट नाउ इट्स 1:40 इन द आफ्टरनून, आउटसाइड इट्स क्वाइट हॉट, दिखने में नहीं लग रहा है। हमने जूते कपड़े वॉश किए थे और सब कुछ सूख चुके हैं, तो एक काम करो सब कुछ पैक करते हैं और एंजॉय शाइनेस। ओके आई लीड समर टुडे वी आर ऑन टाइम बिकॉज जस्ट मी एंड शाइनेस, होपफुली विल जॉइन ईशान एंड अब्दुल भाई इन अजमेर। उसको 5-6 घंटे लगेंगे। एंड थैंक यू भैया for getting the food. Thanks. Thanks to your wife. And thank you Anshita and Tanish for the love. Thank you Sunny bhai. Thank you bro. Thank you bhai. Thank you bhaiya. Acha tha velvet cake chhodna nahi bhai, kha lena. Ha ha, khayenge. Ki abhi hum ride pe karke hum zyada khana nahi kha sakte na. To iske liye aaja Shanis. Aur bike is lock and loaded. Ha Shanis. Rakhne ka dekho. Ye chain andar dal. चाइनीज भूल गई है कि हमने इंटरनेशनल राइड पे नहीं, क्या हुआ सॉरी। ये क्या करेंगे, वो पाइप है, हम लोग जब भी प्यास लगेगी चाइनीज निकालेगी, हम लोग पानी पीते रहेंगे। अभी द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट है, बाइक को नीचे उतरने का। बाय बाय, थैंक यू फॉर कमिंग फॉर द लवली फूड। बाय बाय, चलो बाय। अभी होपफुली अपन निकल जाए, जय माता दी। चाइनीज बोलती है सवारी निकली घर को, लेट्स सी वो घर को एक शॉट में जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। Right now it's 3:46 in the afternoon. We were staying in this lovely concert hotel, Chanis? Golden Tulip Hotel next to Throttle Shuttle. हम लोग proper Delhi में नहीं थे, because क्या होता है ना, proper Delhi से बाहर निकलते निकलते घुसते घुसते time लगता है, अपने सारे दोस्तों आ ही जाते हैं मिलने के लिए। देखो भाई साहब 35 degrees Celsius temperature है, मगर उतना feel नहीं हो रहा, probably we just came out of the hotel. But let's see, hopefully अभी sundown हो जाएगा थोड़ी देर में, 2-3 घंटे में। तो बस 2-3 घंटे की गर्मी अपने को बर्दाश्त करनी है, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं होगा। और ये गूगल मैप ने एकदम हाईवे पे लाके फेंका है हम लोग को, सीधा जाओ निकल जाओ तुम लोग। टायर की जो हवा है वो 47 तक पहुंच गई थी, एक्चुअली मैंने 45.5 भरी थी, लेकिन गर्मी की वजह से 48 हो गई थी। तो मैंने बोला नहीं भाई थोड़ा हवा निकाल देते हैं, मैंने 3 PSI ड्रॉप कर दिया, अभी 43.7 है, क्योंकि चलता है रात को हवा गिरेगी अपन भर देंगे, बैठ जाए। ओके रिस्क है ना यार, बहुत गर्म है, अपन तेज़ चला रहे हैं, हवा भरी हुई है, कुछ ऐसा हो जाए वैसे तो होगा नहीं, बट फिर भी यू नो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एक्चुअली मुझे वो सबसे चढ़ना चाहिए, बट ठीक है। ओके चलो, अच्छा एक पानी का ब्रेक भी हो गया, 3 मिनट का ब्रेक, ये फ़ायदा होता है अकेले बाइक पर रहने का। हम इन दो लोग भी चलता है, बट 78 किलोमीटर्स भी हो गया अपना। ये जगह पे जब हम लोग ऑडी से दिल्ली मुंबई कर रहे थे तो हम लोगों ने अपना पहला ब्रेक लिया था, आई रिमेम्बर। पर अभी तो ब्रेक लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, बिकॉज खा पी के निकले। अरे भैया इधर किस खुशी में इतनी भीड़ हो गई, शाबाश ग्लव्स फेंक दिया, शाबाश। अरे यार जब बाइक रुकती है ना सांस चढ़ जाती है गर्मी से, अदर देन दैट नो प्रॉब्लम। ये कर लो पहले रोड पे स्कूल एडमिशन। अरे बाप रे कहाँ से आ गया, रिजल्ट ले रहे रिजल्ट। हाँ खाली देखते देखते हम लोग जयपुर बाईपास कर रहे हैं, जयपुर सिटी 45, वील बी टेकिंग दिस रूट। आई थिंक वी हैव डन दिस क्वाइट फास्ट, आई डोंट नो, मैं ट्रैक नहीं रख रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट दिस रोड, ब्यूटीफुल स्मूथ। और मेरे को ये डे लाइट में करना था, डे लाइट में अपन स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू सूरज देवता, थैंक यू फॉर योर लाइट। अभी आधे घंटे में मतलब अभी कितने बजे, 6:22 मतलब 7 बजे तक डार्क होना शुरू हो जाएगा, तब तक अपन अच्छा खासा किलोमीटर कवर कर लेंगे बिकॉज रास्ता बहुत अच्छा है। अरे भाई ट्रैफिक देखो भाई, कितनी सारी ट्रैफिक है, इतनी ट्रैफिक मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी संडे को। चलो अच्छा हो अपनी साइड नहीं, अपोजिट रोड पर है, एंड बिकॉज ये आई थिंक ये जयपुर का टर्न मारने के लिए रहेगा, जयपुर। आज मैं राजधानी मोड़ में हूँ और शाइनिंग भी अच्छा कोप कर रही है, शुरू शुरू में गर्मी ने बहुत बेहाल किया। एक्चुअली प्रॉब्लम जब भी रोकते हैं ना तब ह्यूमिडिटी फाड़ देती है, तो अभी निशान अब्दुल भाई के रुका हूँ, वो लोग 10 मिनट के अंदर आते तो ठीक है, नहीं आएंगे तो सेकंड ब्रेक में वो लोग गिव अप कर लेंगे, बिकॉज अभी क्या रुकूंगा ना फिर बॉडी गिव अप करना शुरू कर देगा आगे आगे। तो या आई एम जस्ट हैविंग अ बनाना। अभी वो लोग 20 किलोमीटर दूर है,
ऋषभ ने बोला भाई हम तो खा के निकले, काम करो तुम लोग निकल जाओ, नेक्स्ट ब्रेक में मिलते हैं। मतलब सही है भाई, भाई साहब रास्ता देख लो क्या मजा आ रही है बाइक चलाने के लिए, रास्ता रहे तो मुंबई ऐसे पहुंचो। तो यहाँ पे एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, दो लॉरी का एक्सीडेंट हो गया है। तो ये बहुत बड़ा जैम है, देखो आप देख सकते हो, ये बंदा बोलता है कि आगे पुलिस वाले आए हैं, मतलब हटा रहे हैं उसको। और ये एक बहुत ही भयंकर जैम लगा था इधर, ये देखो पूरा ट्रक जल गया, ये बहुत बुरी हालत हो गई इधर। इन लोग भी मिल गए अपने को अभी। हाँ तो भाई 635 किलोमीटर्स डन फ्रॉम गुड़गांव, अभी खाने के लिए रुके बिकॉज 11:30 हो गए हैं, बाद में खाना शायद फ्रेश मिले नहीं तो बोला रुक जाते खाना खा लेते हैं। अजमेर के 100 किलोमीटर बाद से जो हम कट मारते हैं माउंट आबू रोड के लिए, दैट 250 किलोमीटर्स इज जस्ट चुम्मा, मतलब ना 130-140 कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे रात को चलाने में यही प्रॉब्लम रहती है कि जब दोस्त लोग रहते हैं थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ मैं और शायद रहेंगे ना तो डर सा लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाइक का तो चलो प्रॉब्लम हो देख लेंगे, लेकिन चार पाँच लड़के आके कुछ रोकने की कोशिश करें तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे टाइम पे हीरो गिरी नहीं, चुपचाप बाइक लेके निकल जाने का, समझे कि नहीं बेटू। अभी अपन खाते सबको भूख लगी है और निकलते हैं। राइड हैज़ बीन सो फार सो एक्सेलेंट, बस खाना एक नंबर टेस्टी है। अभी दुविधा इसी बात की कि खाना खाने के बाद नींद आ जाए, 12 बज गए ना, इसके नहीं आएगी, धीरे चलाएंगे, आएगी तो चाय मार लेंगे। और दिन में जो गर्म था ना, अभी नहीं, अभी 28 हो गया, मस्त ठंडा क्लाइमेट हो गया, मजा आ रही चलाने के लिए। अभी ये BMW की स्टॉक हेडलाइट है और ये देखो कैसा चलाएगा कोई स्टॉक हेडलाइट भाई, यार ये देखो कौन चलाएगा यार। तो भाई अचानक से हल्की हल्की बारिश चालू हो गई और हल्की बारिश ने जो है अच्छा खासा डरा दिया हम लोगों को। एज यू कैन सी एक ट्रक वाले ने अब्दुल को सैनिटाइज कर दिया। अच्छा मैं भी जरा पेट्रोल भरा लेता हूँ, हाँ भाई फुल करना है। उस बारिश की सीन के बाद जब मैंने उंझा एंटर किया, मतलब जो रोड एंटर किया, इतने गंदे खड्डे कीचड़ स्लश और एक टोल नाका था उसके जस्ट बाद, मतलब वो बाइक से अपन जाते ना साइड से, जो अपन बाइक लेके साइड से आते ना, वहाँ पर इतना गहरा खड्डा था कि मेरी BMW का आधा टायर घुसा, मेरा बैलेंस बिगड़ा, लेकिन समाव मैंने अपने बाइक को कंट्रोल किया, बाद में आगे निकला। आई डिसाइडेड कि बस अभी ये अपना एम था मुंबई तक या फिर जितना चलते वहाँ तक, लेकिन मेरे मन में ऐसा आया कि भाई अभी तूने एक रूम ले ले, तो अपने डिसाइड किया कि अहमदाबाद में रूम लेंगे। पहले प्लान था कि विल गो टू टिल सूरत और टिल मॉर्निंग विल राइड, बट देन नहीं बॉस, 3:30 बजे हम लोग अहमदाबाद पहुंचे, मतलब मैंने 12 घंटे में वी डिड 900 something kilometers which is गुड इनफ। तो आज का ब्लॉग जो है यहाँ पर खत्म करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गया, अभी सोना है मुझे। तो इफ यू एंजॉयड दिस ब्लॉग फॉर एवर रीजन, आई एम श्योर अच्छा लगा होगा, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नया सब्सक्राइब करो। विद दैट एज ऑलवेज शुक्रिया अलविदा, मासलाम, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय लवली फ्रेंड्स। शॉप लेवल 11 लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ऑल्सो अगला ब्लॉग अहमदाबाद शुरू होगा या फिर सीधा मुंबई में शुरू करूंगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है बिकॉज यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। आई जस्ट वांट टू गो होम बिकॉज रास्ते की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। आई टोल्ड शैनेस की बस अगली बार ये रास्ते में बाइक नहीं चलाऊंगा, डजंट रियली मैटर कि अच्छा मौसम हो खराब मौसम हो, अपन सीधा बाइक शिफ्ट करेंगे दिल्ली, फ्लाइट से जाएंगे। वो तो क्या अभी कोविड तक करके मैं फ्लाइट नहीं लिया था, मैंने तो पहले डिसाइड किया था कि मैं रास्ते में बाइक नहीं चलाऊंगा बिकॉज बॉस लद्दाख वदा कर लोगे आप, ये जो मेन रास्ता है ना वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड खड्डे कुत्ते बिल्ली सब छोड़े, समझ गए ना। मिलते अगले ब्लॉग में, बाबा टेक केयर। थोड़ी देर पहले मैं शैनेस को बोल रहा था काश अपने पास ऑडी रहती, अपन ऑडी में मस्त जाते, और फिर मैंने ये इतना लंबा 4 किलोमीटर का जाम देखा और हम साइड से निकल गए। फिर मैंने बोला नहीं भाई सही है, हम बाइक में अच्छे से फट 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 निकल रहे हैं।